नमो अरहंकारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्जायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुक्तं मंगलं वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो काहे आते भय अरहंकार महान परम पुरुष निज अर्थ को साज भय गुण वृंद आनंदामृत चंद्र को वंदत हूँ सुख कांद। बहिरात्मा भी है तो आत्मा, बहिरात्मा भी है तो आत्मा, अरे मेला कपड़ा भी है तो कपड़ा, फेंकने लायक नहीं धोने लायक है, फेंकने लायक नहीं है धोने लायक है, धोकर के साफ करो। ये मेला फर्श है, उखड़वाने की जरूरत थोड़ी है, साफ कर लो धोकर। बहिरात्मा भी है तो आत्मा, हम तो बहिरात्मा है, हम तो बहिरात्मा, हम तो मिथ्या दृष्टि है। अरे नहीं भाई, हम आत्मा है और सम्यक दृष्टि है। नहीं नहीं ये मत लगाना, वो पर्याय की बात में आ गया। हम बहिरात्मा नहीं, हम आत्मा मात्र। वह बहिरात्मा तो इसलिए है कि वह अपने आत्मा होते हुए भी अपने को आत्मा मानता नहीं, मानते ही नहीं। या तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, अब हम मानने को तैयार नहीं, हम बड़े आदमी हैं, अच्छी तरह रहो, अच्छी तरह रहो माने। ये दो दो पैसे के लिए आप घिनापना करो, अच्छा नहीं है। अभी भावजीत का देख रहे थे शाम, धर्म कार्यों में तो खर्च करने में कंजूसी और लौकिक कार्यों में खर्च करने में उल्लास। ये अनंतान मंदिर लो, धर्म कार्यों में तो बहाना बनाता है, शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, समय नहीं है, क्या करें, कोई साधन नहीं है। और लौकिक कार्य उन्हीं साधनों में उन्हीं उसी शक्ति से उसी बुद्धि से कैसे करते हो, बता। अब क्या कहें, गांव में ऐसे कह दे भैया बुद्धि नहीं है, तो मुंह को और नाक में दे ले तो का, जो मुंह में देने लायक कौर है उसी नाक में तो नहीं था घुसाने की कोशिश करके, हाँ बुद्धि नहीं है। खूब बुद्धि है, खूब बुद्धि है, मिथ्या दृष्टि का को ज्ञान नहीं है ऐसा मत समझना। उसका ज्ञान अप्रयोजन भूत कार्यों में लगता है, विषय भोगों में लगता है, प्रमाद में लगता है, बचने में लगता है, लगने में नहीं। मिथ्या ज्ञान क्यों कहा, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या क्यों कहा, कि ज्ञान नहीं है इसका नाम मिथ्या ज्ञान नहीं। देखो कितना बढ़िया शब्द है मिथ्या, आगे क्या शब्द है ज्ञान, तो ज्ञान है ना। लेकिन ज्ञान का मिथ्यापना क्या है, कि वह विपरीत में लगता है, विषय भोगों में लगता है, पर में लगता है। बहाना बनाने में बहुत बुद्धि चाहिए, हर आदमी बहाना नहीं बना पाएगा, हर आदमी झूठ नहीं बोल पाएगा। बच्चे से कहो जा कह देना पापा है नहीं, वो कह देगा पापा कह रहे पापा है नहीं, मैंने वो भूला सा बच्चा झूठ नहीं बोल पा रहा। वो आया उसमें दो बच्चे थे, एक सेठ का बच्चा और एक वो गरीब का बच्चा वहां था, दोनों साथ साथ पढ़ती थी, साथ साथ खेलते थे। एक दिन
आभूषणों के ऊपर उसकी नियत बिगड़ गई। सेठ का बच्चा खेलने आया था, उस अपने बच्चे से कहा जा बाहर जा, और उसको पकड़ के बुला करके और भीतर ले गया और उसको मार दिया, वहीं गाड़ दिया, आभूषण रख लिए। बच्चा कहाँ गया, कहाँ गया, क्या हुआ, कैसा हुआ, कुछ नहीं। लेकिन उसने यानी कहाँ से वो बच्चे ने देख लिया, गरीब के बच्चे ने। एक दिन वह सेठ के बच्चे घर खेलने आया तो सेठ है बैठा, प्यार से उसको बैठाया। बोले बेटा कहे तुम्हारा वो सोमू कहाँ गया भैया? भैया सोमू कहाँ है? तब वो तो आंगन में करो हमारे, तब वो तो हमारे आंगन में करो। उसने देख लिया आंगन में गड़ा है, पुलिस बुलाई, देखा और ये क्या हुआ? अरे धिक्कार है इस वैभव को, इस लोभ को धिक्कार है। क्या कहा था? ज्ञानी का राग भी जब बंद का कारण है तो अज्ञानी का राग क्या होगा? महाबंध का कारण, अनंतान बंधी, जिसका फल अनंत काल तक दुख होना है, जिसका फल अनंत संसार है। जब राग कहा तो अकेला राग मत समझ लेना, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, ये वेद ये सब के सब राग में शब्द में अंतर्गर्भित है। मेटो राग कुटेव, तो क्रोध कुटेव नहीं, हमको गुस्सा बहुत जल्दी आती है। अरे गुस्सा बहुत जल्दी आती है तुम समझो, अभी प्रतिज्ञा करो हम क्रोध नहीं करेंगे, और तो भी आएगा, आएगा जब तो उसका प्रायश्चित करो, फिर प्रतिज्ञा करने के बाद फिर वैसा नहीं आएगा, उतनी बार नहीं आएगा, लेकिन एक आध बार आ भी आए तो उसका प्रायश्चित करो। धीरे धीरे वो राग टूटेगा, क्रोध टूटेगा, मान टूटेगा, माया टूटेगी, लोभ टूटेगा। हमारी चुप रहने की आदि, हम बोल नहीं पाते, प्रतिज्ञा करो हम बोलेंगे योग्य वचन, योग्य वचन बोलेंगे, मौन नहीं खड़े रहेंगे, मौन नहीं रह जाएंगे, मायाचारी नहीं करेंगे, माया गूंगी होती है, मायाचारी नहीं करेंगे, और फिर भी एक आध दफे मौन रह जाएंगे, लेकिन फिर बोलो, फिर करो। लेकिन जब व्रत ही नहीं है तो अनर्गल प्रवृत्ति होगी, और व्रत होगा तो अनर्गल प्रवृत्ति फिर कितनी बार हो पाएगी, कैसे हो पाएगी बता? ये तो बहिरंग बहिरंग उपाय है, अंतरंग में उपाय भेद ज्ञान और तत्व विचार, उसकी निंदा गरहा करो, ये विचार करो। क्रोध से दूसरे का बुरा करना चाहे तो चाहे, अपना बुरा होता है, उसका बुरा होना तो उसके परिणाम, उसकी योग्यता, उसके भवितव्य के अनुसार है। मन से दूसरे का तिरस्कार करे लेकिन स्वयं तिरस्कृत होता है। माया से दूसरे को ठगने का भाव भले करे लेकिन स्वयं ठगाया जाता है। लोभ से प्राप्ति करना चाहे तो लोभ से लाभ नहीं होता, जहां लोभ है वहां लाभ नहीं है। वो ऐसे ऐसे घड़ा भरते रहो, कितने दिन में भरे वो घड़ा, छाछ पी उसने मांग करके और उसमें नहीं कहा गया। अब वैसे छाछ बटती अपने देश में, अपने गांव में हमने देखी, आज जो डॉक्टर लोग कहते हैं ना मलाई निकला दूध बेकार हो गया, तो पहले मलाई निकले दूध की बात प्रथा ही नहीं थी, छाछ और छाछ अमृत था, और उससे घी निकलता था वो तपाल हुआ पक्का, जो वहां मिष्ठान तुम्हारे बन रहे हो तो यहां मां का आया। अब तो खाए वारे कोई पतो नहीं पड़े जी कहा हो रहो। तो
अब ये बता कितना घी नख पाएगा बता छाछ में से, ऐसा बटोर बटोर के हड़िया बन रही बाने, मालो भी है कि नहीं। अब क्या हुआ, और अब बस वो लेटा सर्दियों में, आंच नीचे लगी सुलग रही है, पहले बरोसी नीचे रख लेते तो बस वो नीचे आंच सुलग रही है, और लेटे लेटे विचार कर रहा है हड़िया भरवे को भाई, अब जा बेचेंगे इतना पैसा आएगा, फिर बकरी खरीदेंगे, फिर गाय खरीदेंगे, फिर भैंस खरीदेंगे, और फिर वैसा विवाह होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर ये होंगे, और फिर पैर दबाएंगे तो वैसे पैर फटकारेंगे, तो ये क्या पैर दबाना आता है, तो फटकारो पैर, ऊपर से हड़िया गिरी और नीचे जल गया मर गया। हमारा मतलब लोभ ये है, जब तुम्हें लोभ का परिणाम आए तो ये सोचना लोभ पाप का बाप, समस्त पापों का बाप है। और लोभ की परिभाषा क्या है, योग्य स्थान में धन का व्यय न करना। तुमने ये शादी करोड़ रुपया कर दी, ये निर्लोभी नहीं है, ये नाम के महालोभी हैं। करोड़ रुपया की ये शादी कर रहे हैं ना, और ये ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं, ये निर्लोभी नहीं है, ये महालोभी है। धार्मिक कार्यों में ऐसे मान प्रतिष्ठा के लिए खर्च कर देते, ये भी लोभी है महालोभी, पुण्य के लोभी, भोगों के लोभी, स्वर्ग के लोभी, मान प्रतिष्ठा के लोभी, निर्लोभी नहीं है। तो भाई बैरात्मा भी है तो आत्मा, आत्मा है, किसी दूसरे को बैरा मिथ्या दृष्टि कहकर के तिरस्कार भी मत करना, ये तो सब मिथ्या दृष्टि है। अब सम्यक दृष्टि कहां से लाओगे, इन्हीं में से सम्यक दृष्टि बनेंगे। सागर धर्मामृत में क्या दिया उपदेश दाता को, उपदेश, उपदेश दाता को क्या उपदेश दिया भाई, सम्यक दृष्टि श्रोता कहां से लाओगे, जो भद्र परिणामी हैं, जो सुनते हैं प्रसन्न होते हैं, बौखलाते नहीं हैं, विरोध नहीं करते हैं, ऐसे जी भद्र परिणामी कहलाते हैं। तो उन भद्र परिणामियों को तुम्हें उपदेश देना चाहिए, क्यों, वे भद्र परिणामी ही एक दिन उन्हीं में से सम्यक दृष्टि बनते जाएंगे, जिसका काल आता जाएगा। और भद्र परिणामियों का अनादर करोगे तो कहां से सम्यक दृष्टि लाओगे तुम, बैरात्मा, ये तो बैरात्मा है। जैन दर्शन का सूत्र लाओ स्यात, जैन दर्शन जैनी तो तब बनोगे जब स्यात लगाओगे, जिन वचन तो तब होंगे जब स्यात लगाओगे, अगर तुमने सर्वथा लगा दिया तो अनिमत हो जाएगा कि पर समय हो जाएगा कि, बोलो पर समय होगा कि नहीं, ये तो बैरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, पापी है, अज्ञानी है, मूल है, क्रोधी है। जैन वचन, जैन वचन लगा कि स्यात, माने पर्याय की अपेक्षा है, पर्याय है कितने समय की ये तो बताओ तुम, एक समय की पर्याय और चली गई, और दूसरे समय में सम्यक दृष्टि हो जाए तो कौन रोक लेगा। बैरात्मा तब तक ही बैरात्मा है, नहीं द्रव्य दृष्टि से देखो, शोधनाय से देखो तो किसी समय बैरात्मा नहीं, एक समय के लिए भी बैरात्मा नहीं, क्यों कि बैरात्मा पर्याय जो है ना, वह अन्य उसका व्यतिरेक है, द्रव्य के साथ भिन्नता है, कथनचित भिन्नता। मिथ्या दृष्टि जी भी अगर शुद्ध राय से देखें तो एक समय के लिए भी मिथ्या दृष्टि नहीं है, वो न सम्यक दृष्टि न मिथ्या दृष्टि, वो तो व्यायक है, आत्मा है। सबे शुद्धा शुद्ध नया,
स्थापना करो, और नहीं तो अहंकार आएगा तुम्हें, मर जाओगे। हम सम्यक दृष्टि है, हम बस धर्मात्मा है, हम ज्ञानी है। अरे कछु नहीं हो तुम, पर्याय मूल मिथ्या दृष्टि भले हो, पर्याय मूल मिथ्या दृष्टि भले हो। अरे सम्यक दृष्टि तो भाई अंतरात्मा तो उसको कहते हैं जो अपने को आत्मा देखता है, बहिरात्मा उसे कहते हैं, बहिरात्मा जो आत्मा होते हुए भी अपने को आत्मा अनुभवता नहीं है, समझता नहीं है हम आत्मा है। इस तरह के कितने वाक्य बोले होंगे प्रवचनों में बताओ आप। दरिद्र वह नहीं है जिसके पास धन नहीं है, दरिद्र वह है जिसे अपने धन की खबर नहीं है, न अपना ज्ञान धन खोता भिखारी क्यों बना होता। अपने ज्ञान धन की अनंत गुणों के वैभव की खबर नहीं है वह है दरिद्र। अज्ञानी वह नहीं है जिसे ज्ञान नहीं है, अज्ञानी वह कहलाता है जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवता नहीं है। तो वह भी ज्ञानी, और ये शास्त्र का शब्द है, अज्ञान वाला जीव भी ज्ञानमय होने से, अज्ञान वाला जीव भी है कैसा, ज्ञानमय है। अपने को कर्ता मानने वाला जीव भी, कर्तत्व के अहंकार में पड़ा हुआ जीव भी, मैं करता हूं, मैं ही कर रहा हूं, मेरे बिना कौन कर सकता है, करके ही दिखाओ तो हम जाने, तुम करके ही दिखा ले, चुनौती गई तुम्हें। हंसी आती है, ये भाषा कहां से गई तुम्हारी। अपने को कर्ता मानने वाला जीव भी उस कर्तृत्व के अहंकार से दुखी तो होता है लेकिन कर्ता नहीं होता, करता नहीं होता। क्या कर्तत्व का अहंकार वाला जीव भी न होते हुए कार्य को नहीं कर सकता, पुद्गल से जीव नहीं बना सकता, मरे को जिंदा नहीं कर पाएगा वो, साता के उदय के बिना नहीं कुछ कमा पाएगा। क्या मैंने इतना कमाया, मैंने ही सब कमाया, ये सब हमारे पिताजी कछु नहीं छोड़ गए थे, कर्जा और छोड़ गए थे, हमने अपने अंगन अंगन ऐसे ठोंकर। अरे अंग अपना नहीं है, छाती तेरी नहीं है जैसे ठोंक रहा हुआ है, ये हाथ तेरा नहीं है जैसे ठोंक रहा है, हमने सब कमा हुआ है, हमने आपको नहीं मालूम हमने कितनी मेहनत करी, खोमचा लगाओ, बंजी करी, उतर से मर जाते, जैसे जी करते थे, वहां ऐसे करो फिर वैसे करो, फिर हमने जमीन लाई, फिर मकान बनवाओ धीरे धीरे, अब पैसा कम तो भैया मजूर में खर्च होगो, अपने हाथन मेहनत करी, सवेरे खुद लग गए, संजा खुद लग गए, पर ये आपको नहीं मालूम हमने बनाओ है अपने हाथ से। अरे रे प्रभु, तो प्रतिज्ञा करो छोड़ के मत जाना, बोलो अपना अपना मान जिसे तू खिला पिला कर करता पोष, करते तेरा मां अनिष्ट, ऐसी ऐसी घटनाओं से भरे हुए इतिहास पुराण, पढ़कर सुनकर नहीं चेतता यही एक आश्चर्य मान। केवल कहने के लिए हमारे तीन लड़का, हमारे दो लड़का, हमारे पांच लड़का, हमारे चार, एक लड़का, हमारे लड़का नहीं है, कहवे के लिए है, ये है कछु नहीं। और नहीं तो मोह से बता रहे, ईमानदारी से बताओ, लड़के तुम्हारे लिए हैं कि तुम लड़कों के लिए, ये बता दे,
उनकी व्यवस्था तुम बना रहे हो कि भाई तुम्हारी व्यवस्था बनाए आ रहे क्या कर रहे, लोक व्यवहार में भी होता। मोह में लड़के लड़का लड़का और वो आयु पूरी हो रही है बिल्कुल नजदीक समय है, वो लड़के बुला रहे हो और वो आ नहीं पाओ और प्राण छूट गए संक्रेष्ठा में गए काम से, ये भी एक अनिष्ट है। हम ये कह रहे हैं अनिष्ट आप क्या मानते हो, कोई खोटा लड़का है वो पिता को दुख देता है कुणी के जैसा है, हैं? या पिता की छाती पर चढ़ के अपने सब पैसा लेगा और बने पिता को रोटी नहीं दी और पिता को ऐसो करो गाली दी तो अब मार तो है, ऐसा ऐसे लड़के की बात नहीं कर रहे। अपना अपना मान जिन्हें तू खिला पिला कर करता पोष्ट, अवसर मिलने पर बेही जन करते तेरा महा अनिष्ट। क्या मतलब है इसका जानते हो, वो राग उत्पन्न कर रहे थे नहीं, तुम बेराग का चिंतन कर रहे हो, तुम तो सामाय करने बैठे और वो लड़का आएगा बाबा 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 अब बाबा हंस पड़े होगा अनिष्ट के नहीं बोलो। बताओ आप अनिष्ट हुआ कि नहीं हुआ, और बात खवाते हैं बात पवा रहे बात खिला रहे बात कर, अरे बात खिला नहीं रहे बात खेल रहे मन बहला रहे अपना। तुम पूजा कर रहे वो पहुंच गो और ठाड़ो हो गो हमें देव अब बात देवे लगे बाकी पूजा करने लगे भगवान छोड़े अनिष्ट हुआ के नहीं। भैया विचार करो, हंसने की बात नहीं है, राग भी अनिष्ट है तो राग का निमित्त इष्ट कैसे होगा जी बताओ। सोचना जब राग अनिष्ट है तो राग का निमित्त इष्ट कैसे होगा, इष्ट तो वीतरागी परमेश भगवान कहे जा सकते व्यवहार नए थे, जब निमित्त की बात कही तो हम व्यवहार नए थे कह रहे, परमार्थ थोड़ी कह रहे, परमार्थ से तो कोई इष्ट अनिष्ट है ही नहीं, लेकिन व्यवहार नए से भी देखो तो जब राग इष्ट है नहीं, इष्ट है कि अनिष्ट, अनिष्ट है तो जब राग अनिष्ट है तो राग का निमित्त इष्ट कैसे होगा। राग छुड़ाने वाला इष्ट कहा जा सकता है, राग कराने वाला राग की प्रेरणा करने वाला राग को पोषने वाला राग में उलझाने वाला ये इष्ट नहीं हो सकता। भैया ऐसे ही स्वाध्याय करो, ऐसे ही स्वाध्याय करो, पैरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, अरे आत्मा मत भूल जाओ इनमें, समझ में आया क्या कहा हमने, बैरात्मा भी है तो आत्मा। अरे एक मजरा में बेहोश पड़ा हुआ नशे में और नाली में पड़ा है तो आदमी, ये थोड़ी नहीं कि आदमी नहीं है, वो भैंस हो गई कि घोड़ा हो गया, है तो आदमी। तो फिर ये आदमी है तो नाली में क्यों डरो, कि भाई आदमी है लेकिन उसने विपरीत काम किया मजरा पी है तो उसे होश नहीं है हम आदमी है। ऐसे ही बहिरात्मा जब आत्मा है तो वह दुखी क्यों, आत्मा तो आनंद स्वरूप होता है, बिल्कुल सही 100% बिल्कुल सही तुमने कहा, आत्मा सुख स्वरूप है, त्रिकाल सुख स्वरूप है, संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में सुख भरा हुआ है आत्मा में, तो फिर वो दुखी क्यों कि उसने अपने को आत्मा समझा कहां है। जब राजा का राजकुमार अंजन चोर बन सकता है पिता की अवज्ञा करके,
क्या पिता की अवज्ञा करके अंजन चोर कैसी दशा में पहुंच गया? तो ऐसे ही हम जैनेन्द्र भगवान की अवज्ञा करके कहां पहुंचेंगे? सोचो, अगर हम नारकी हो जाएं, नरक दशा में पहुंच जाएं, त्रियन गति में पहुंच जाएं, तो इसमें क्या आशय है? लेकिन ध्यान रखना, है तो आत्मा, आखिर वो है तो राजकुमार, अंजन चोर है तो राजकुमार। और नेक्स्ट सोता ही बोले वहां याद आ गई उसको, है क्या कर रहा है, आकाशगामी विद्या सिद्ध कर रहा हूं, तो फिर क्यों उतर से चढ़ता भी भी? वो तो भाई तरह से बोलता था, वो सेठ ने मंत्र बताया, हम चढ़ते हैं तो वहां डर लग जाता है, अगर कहूं झूठी वही बात, अगर झूठी कह दिया होगा तो अब मर जाएंगे नीचे, वो चल ऐसे खड़े हैं भाले तलवार, तो घर से बोलता है भीतर से, क्या बोलता है? सेठ झूठ बोल सकता है? नानसा बादनो जिना, जो जिनेन्द्र भगवान का भक्त है, जिन चौथे गुण स्थान से हो जाता है जिन, नानसा बादनो जिना, जैन झूठ बोल सकते हैं? नहीं, जैन झूठ बोल नहीं सकते, और झूठ बोलने वाला जैन हो नहीं सकता। हट जाए यहां से, लाभ मैं करता हूं। कितना विश्वास उस जैनेन्द्र के प्रति, कितना विश्वास उस सेठ के प्रति, जिन वचन भी शब्द नहीं रहा, आरम तारम कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम, जिन वचन प्रमाणम नहीं, जब सेठ वचन प्रमाणम वाला आकाश गामिनी विद्या सिद्ध कर सकता है, तो जिन वचन प्रमाण करके कौन ऐसा होगा जो मुक्त मार्ग की विद्या सिद्ध न कर ले, सम्यक दर्शन प्राप्त न करे? बताओ, हम कछु नहीं जानते, का कह तो तुम काय से पुद्गल कह तो, काय से जीव कह तो, काय से आश्रव कह तो, बाह से बंद कहते हैं, हम जो जानते कुछ काय से कह तो हम नहीं जानते, हम जानते ये बुरी बात है जी कर रहा हूं, ये हरकत अच्छी नहीं, हम जो जानते ये बुरी है, हम जो नहीं जानते कुशील है, हम जो नहीं जानते चोरी, शब्द नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते ये बुरी बात है, अच्छी बात नहीं, तुम छोड़ो हमें, वो गंदे आदमी है, हम ये जानते, इसका नाम क्या हम नहीं जानते, इसका नाम क्या हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते ये हमारा नहीं है, खत्म हो गया, सम्यक दर्शन हो जाएगा। और तुम पंडिताई कर रही हो जिन्हें, ये पुद्गल वर्गना है, आहार वर्गना है, और वो उसकी पर्याय है, और उसका गुण है, और उसके द्रव्य, तुम सब पंडिताई कर रही हो, और वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। जिसने पर को पर जान दिया, बस हम जे नहीं जानते का है, हम जे जानते हैं ये पुद्गल है, वो ये हमारा नहीं है, खत्म हो गई बात। एक दफे तो स्थापना कर लो अपने में और सर्व जीवों में, क्या अपने में और सर्व जीवों में आत्मा की स्थापना करो, स्वीकार करो भीतर से, बैरात्मा भी है तो आत्मा, तो बैरात्मा क्यों है? जब तक उसने आत्मा नहीं समझा तब तक ही बैरात्मा है। कब तक बैरात्मा रहेगा? जब तक वह अपने को आत्मा नहीं समझेगा। क्या पांच शास्त्र पढ़ ले तो क्या तो भी बैरात्मा रहेगा, और पांच शास्त्र पढ़ ले तो तब तो भी बैरात्मा रहेगा, क्यों भाई? और पांच कपड़ा पहने तो बैरात्मा है, पेंट बुशर्ट पहने तो बैरात्मा, और धोती दुपट्टा पहन ले तो, और खाली लगोटी लगा ले खाली तो, ये भगवान सोचो सोचो, ये सोने की चौकी रख दे तो अंधेरो रहे है अगर बल्ब नहीं है यहाँ, और बल्ब अगर जल रहा है तो भैया कार की चौकी में ही उजालो हो जाए, और चौकी नहीं होगी तो उजालो हो जाए,
बढ़िया बढ़िया सब रत्न जड़ आभूषण पहन करके बैठ जाओ और तो भी अंधेरा रहेगा अगर बल्ब नहीं है तो। आत्मज्ञान नहीं है, वेद ज्ञान नहीं है तो बैरात्मा रहेगा। ये जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है? नो कर्म, कर्म जो मैं अवर मैं कर्म नो कर्म है यह बुद्ध। जब तक जीव की अज्ञानी तब तक वर है। ज्ञानी दिखने की कोशिश मत करो, ज्ञानी बनने का उपाय करो। और ज्ञानी बनने का उपाय क्या है? अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवना। जिन्हें संस्कृत नहीं आती, प्राकृत नहीं आती, श्लोक नहीं आते, ये ज्ञानी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और तुम नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। जो जीव जहां है कहीं भी हो, जब तक ये जीव अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवता नहीं है तब तक अज्ञानी रहता है। अज्ञानी भी है तो ज्ञान स्वरूप, अपने को दुखी मानने वाला है भी है तो सुख स्वरूप। इसीलिए उसको जरा सा भेद ज्ञान हुआ सुखी होने में देर नहीं लगती, ज्ञानी होने में देर नहीं लगती, बैरात्मा अंतरात्मा होने में देर नहीं लगती। और बैरात्म तजिए ये कहीं नहीं लिखा है, बैरात्म तजिए ये कहीं नहीं लिखा। क्या लिखा? बैरात्म ता हे जान तज, बैरात्म ता हे जान तज। बैरात्म ता को छोड़ो, बैरात्म को मत छोड़ो, बैरात्म ता। व्याकरण पढ़े हो थोड़े बहुत? बहिरात्मता क्या है? हाँ, क्या है वो? अरे संज्ञा सर्वनाम विशेषण कछु है कि नहीं है? व्याकरण नहीं जानते, व्याकरण किसको कहते? कछु है, एक बूढ़ा और एक बूढ़ा बना कैसे रूप लखे आपनो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा पनो, मनुष्य पना बाल पना और एक बालक। बालक और बाल पना कहा तुम? बचपने जैसी बातें करते, तुम इतने बड़े हो गए बचपने जैसे। बचपन अलग चीज है और बचपन अलग चीज है। विचारो भाई, दूध में तिनका आ गया तो दूध नहीं फेंके, तिनका फेंक देते, अलग कर देते। समझ में आया ना? लेकिन आपको मालूम है दूध में जहर हो जाए तो? किसी केमिकल विधि से अगर दूध का जहर निकल सकता है तो निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सामान्य विधियों से दूध में से गैर अलग नहीं किया जाता तो वो दूध फेंकते हैं। ऐसे बैरात्मा की संगति छोड़ने लायक है, लेकिन बैरात्मा भी तिरस्कार करने लायक नहीं है। बैरात्मा को भी यदि संभव हो किसी युक्त से उनमें भी सद्ज्ञान भरें, यदि संभव हो। और असंभव हो तो उसकी होनार का विचार करके समझा रखे। आगे चलो भैया, रात की घर में दृष्टांत भी नहीं देना चाहिए, हम तो दृष्टांत दे रहे हैं। रोटी खा ले, रोटी खा ले। और नहीं खाए तो क्या करें? हमें नहीं खाना, हमारा पेट भरो, हमारी तबीयत खराब है, हमारा आज पेट साफ नहीं है। तो वो नहीं खाए तो तुम खा ले। और क्या उपाय बता? कई बार महिलाएं कुड़कुड़ाती हैं, हम उनके बैठे, अच्छा तुम खा ले, और हम क्या करें बता? कोई अवज्ञा से तो भूखी नहीं बैठे। अब हम काम में लगे हैं, हम नहीं आ पा रहे, तो तुम खा ले, हम क्या करें बताओ? ऐसे बहिरात्मा कोई सम्यक ज्ञानी न हो सके, अंतरात्मा न बन सके, तो तुम अंतरात्मा बन जा। यदि संभव हो किसी युक्त से उनमें भी सद्ज्ञान भरे।
बस इतना स्वाध्याय बहुत है। क्या कहा, बैरात्मा भी है तो आत्मा हो, इसी इस दशा में भी, इस पर्याय के बीच में भी हमको आचार्य भगवान आत्मा कह करके, भगवान आत्मा कह करके पुकार रहे हैं। किस कैसे, किस अपेक्षा से बैठेंगे, कैसे ही अंदाज है, नहीं नहीं शुद्ध नये से, सबे शुद्धा शुद्ध नया। ये भगवान ज्ञाता द्रव्य लिखा है, भगवान आत्मा तो सदा काल अति पवित्र है। ये बताओ टीका में लिखे हैं बाकी के नहीं लिखे जो हम बोल रहे हैं गाथा में टीका में। अब आप विचार करो, तुमने सोच लिया अब हम तो भैया बैरात्मा है तो दीनता आ गई, और हम ज्यादा ज्ञानी है स्वाभिमान आ रही, हम सम्यक दृष्टि है, मुंह फुलाया है जिसने, या तो भ्रम से सम्यक दृष्टि मान करके मुंह फुला रहा है, और जे सब मिथ्या दृष्टि हम सम्यक दृष्टि, या फिर का हम तो भैया मिथ्या दृष्टि है, हम तो पापी है, हम तो अज्ञानी है, हम तो मूढ़ है, दीनता की शिकार हो रहा है, डिप्रेशन में या तनाव में या डिप्रेशन में, या हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर है प्रेशर में। और क्यों भाई, एक रोग है कि दोनों रोग है, ब्लड प्रेशर हाई रोग है और लो भी रोग है। टेंशन तनाव वो भी रोग है, और डिप्रेशन वो भी रोग है, और ये डिप्रेशन और टेंशन दोनों के दोनों विपरीत विचारों का फल है। तो हमने कहा विचार, विपरीत विचार करो, हमने कहा भाई विपरीत विचार करो, बता हम तो जो हैं सो मान रहे, यही तो कह रहे जो हैं सो नहीं मान रहे, बात तो यही है जो है सो नहीं मान रहे। तुम हो तो आत्मा और मान रहे अपने को बहिर आत्मा, जी बहिर कहां से जोड़ लो, जी विशेषण कहां से लगा लो, तुम नंगे पैदा भाई थे कि नहीं ये बता, जी कपड़ा कहां से पहने आए, बस ये विकृति है विकृति कि नहीं। और जी कपड़े उतर गए नग्नता आ गई, कपड़े उतरने का मतलब अकेला कपड़ा उतरना नहीं, ये कपड़े मेरे हैं ऐसा मोह उतरना, इन कपड़ों से मेरी शोभा ये मोह उतरना, इन कपड़ों में मैं अच्छा लग रहा हूँ ये बुरा लग रहा हूँ, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, कपड़े उतरने का मतलब है राग उतरना। अभी तुम्हें कपड़ा उतारे और तुम्हें हल शर्म लगने लगे, और जो राग रहित कपड़े उतरेंगे तो उनको शर्म नहीं होगी, ये बैठे जी का कहेंगे सब जन, ये का कहेंगे दुनिया का नंगे फिर रहे, कभी सुनाया था जब भी इंग्लैंड में गए क्या नाम गांधी जी, तो बोले वहां नंगा फकीर आ गया, तो लोगों को अपमान लगा, उन्होंने कहा ये तो बुरी बात है भाई, गांधी जी को तुम नंगा फकीर कह रहे, लेकिन गांधी जी ने क्या लिखा पत्र चर्चिल को, नंगा फकीर हमारे देश का गौरव है, हम नंगे फकीर हो नहीं पा रहे, होने की भावना पा रहे हैं, आपकी भावना कब सफल हो। पागलपन से नंगा रहता है तो अलग बात है, आज फैशन में आधे आधे नंगे फिर रहे वो अलग व्यवस्था है, वो कुशील है, वो अनाचार है, अनाचार का निमित्त है, लेकिन निर्विकारता पूर्वक वस्त्रों का त्याग कर रहे हैं वे तो निर्गंध है भाई, उनकी विशेषता है अंतर बाहर से नांगा, केवल बाहर से ही नग्न नहीं है, अंतर से नग्न है, नग्न माने निरावरण, बाहर में वस्त्रों का आवरण नहीं है, दिगंबर बोलते हैं दिशाएं ही है अंबर जिसका बीच में और कुछ नहीं है, और ऐसे ही भीतर में क्या कहते हैं आवरण से रहित माने जिन्हें ज्ञान आवरण दर्शन आवरण रहित,
क्षयोपशम रूप अपने को अनुभव नहीं करते, उदय रूप अपने को अनुभव नहीं करते, वे उनसे न्यारे पंचम पारिणामिक भाव रूप अपने को अनुभव करते हैं और भाते उसी में मगन है। निष्प्रही व्यक्ति ही ये उपदेश दे सकते हैं, निष्प्रही गुरु ही कह सकते हैं, और कौन कहने वाला है इस दुनिया में? बैरात्मा को आत्मा कह करके पुकारने वाला है कौन? ये भीतरागी संतों की बात है। अब किसी और की बात मत लगाना। एक तो एक हमने सामूहिक बात कही कि बैरात्मा कहकर के तिरस्कार मत करो किसी का, एक बात। दूसरी बात हमने ये कह रहे हैं, अपने को दीन डिप्रेशन में मत चले आओ, हम तो बैरात्मा है, हम तो पापी है, हम तो मिथ्यादृष्टि है, हम तो अज्ञानी है, हम तो मूढ़ है। अरे कैसी बातें कर रहे, कैसी बातें कर रहे? मैं एक ज्ञायक भाव, हम आत्मा है। वैसे ही मान ले, मन वैसे क्या हो गए कि मानो नहीं तो हो। तुम कहते हो मानने से हो गए, हम कहते नहीं मानो तो हो। तुम जो अपने को आदमी नहीं मानता वो भी आदमी है कि नहीं है? नशा में झूम रहा हुआ, अरे है तो आदमी, जब नशा उतरेगा तो क्या कहेगा? हमका महाराज, हम कहा हाथी खरीद सक रहे, यही कहेगा वो भी। नसी में कह रहा है रजुआ ये बेचेगो, लेकिन जब नशा उतरेगा तब तो यही कहेगा। हम कहा ऐसे ही सम्यक दर्शन जब होगा तब तुझे पर्याय की पामरता का ज्ञान होगा। अरे हम कहाँ पड़े हैं, धिक्कार है। स्वभाव की प्रभुता के सापेक्ष पर्याय की पामरता का ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है, और स्वभाव की प्रभुता से निरपेक्ष जाने बिना, उसको पहचाने बिना, गौण किए बिना, और मैं तो पामर हूं, मैं तो दीन हूं, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो मूढ़ हूं, ये मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं। अर्थात अपने को बैरात्मा मान करके कभी स्थायी रूप से बैठ मत जाना। क्यों? ये बैरात्म दशा ध्रुव नहीं है, अध्रुव है। आत्मा ध्रुव है, शुद्ध आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धमान है। बैरात्मा जिसको हम बैरात्मा कह रहे हैं, बैरात्मा में दो शब्द हैं कि एक? बैर और आत्मा दो है कि एक है? दो है, तो दो के वाचक दो होंगे कि एक होगा? जब शब्द दो हैं तो उनके वाचक कौन होंगे? माता पिता तो दो हैं तो दो होंगे, एक तो वही होगा। तो बैर आत्मा बताओ, गरम पानी दो है कि एक? अब लगता ही है कि गरम पानी एक ही है, दो कहां है? कि यही तो कह रहे हैं, गरम पानी में पानी और गर्माई दो है, गर्मी या उष्णता जिसको शास्त्रीय भाषा में उष्णता, वो तो अग्नि की है, और पानी शीतल स्वभाव वाला है। ऐसी ही बहिरात्मा में से बहिर अलग दशा है और आत्मा अलग की है, दो हैं एक नहीं है। वो बहिरात्मा क्यों है? उसने बाहर के ही शरीर दिखने वाला शरीर उसे ही आत्मा मान लिया है, बाहर से दिखने वाली अनुकूलता उसे ही सुख मान लिया है, बाहर दिखने वाली प्रतिकूलता उसे ही सुख दुख मान लिया है, बाहर से दिखने वाला शाब्दिक ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान उसी को ज्ञान मान लिया है, और उसके अभाव में अज्ञान मान लिया उसने।
ये कुछ नहीं जानता, मैं बहुत जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता, ये बहुत जानता है, बस उसने अंतर में विराजमान ज्ञान स्वभाव को नहीं जाना। अब जब ये परिभाषा ही गलत है तो फिर ये बताओ आगे चल करके अब इसकी मान्यता क्या सही होगी? नीति में कह देती थी परो अपावन ठोर में कंचन तजय न कोर, पढ़ा होगा तुम, उत्तम विद्या लीजिए जदप नीच पे हो, परो अपावन ठोर में कंचन तजय न कोर। अपावन ठोर में अगर कंचन सोना पड़ा हो तो छोड़ दी होगा, ये बात अलग है, बात धोए के तपा के काम में ले हुए, लेकिन छोड़ोगे तो नहीं। तो ऐसे ही बैरात्मा को आप धो तपाओ, भेद ज्ञान से भेद ज्ञान करो, वो आत्मा है, आत्मा उसका भी अनादर, आत्मा का अनादर है, आपको आत्मा नहीं मिलेगा, आत्मा नहीं मिलेगा। और अपने को अब जब मान ही रहो हम तो हीन भावना से उन्नति कैसे होगी तुम्हारी, जब तुमने मान लो हम तो मिथ्या दृष्टि है, हम तो अज्ञानी है। वो पुण्य पाप अधिकार में एक श्लोक दिया है, श्लोक नहीं छंद है, दो बच्चे एक साथ पैदा हुए शूद्रा के पेट से, उसने उठा करके ऐसे पढ़ा, एक दियो बामन के एक घर राखो, बनारसी दास जी ने घर रखने की बात कह दी, माने एक का पालन पोषण विप्र के घर में हुआ, वो उठा लेगा उसको, उसके पालन हुआ। अब जिसके विप्र के घर में पालन हुआ तो उसने तो उसका वो जैसे स्वामी ने लिखा वो यज्ञ प्रवीत संस्कार वगैरह हो गया ना, तो उसने माने अब मध्य मास मधु का त्याग कर दिया उसने, और ज्या को तो कछु है ही नहीं, वो तो मदरा कुछ बात ही नहीं, बाई से नहा रहो, तुमने देखे ये लोगड़िया, बच्चे का जन्म हुआ बरांडी सीधी उठाई उनने पानी में डाली, एक बह नहा दो नेक अपन नहा ले, हो गए काम। मैंने वो दृष्टांत भी ऐसा नहीं दिया, वैसे बिल्कुल व्यक्तिगत है, मैं तो शुद्ध हूं इसलिए मुझे मदिरा पीने में कोई दोष ही नहीं है। क्यों? उसने अपने को सर्वथा मान लिया ना, और उसने कहा ब्राह्मणत्व अभिमान है, ब्राह्मणत्व की अभिमान थी, वो मदिरा को स्पर्श नहीं कर रहा, अभिमान थी। अगर वास्तव में उन दोनों बालकों में देखें तो दोनों बालक एक ही मां के हैं, दोनों कर्म है, दोनों में से धर्म कौन सा है, दोनों अज्ञानमय भाव है, ज्ञानमय भाव कौन सा है, दोनों में आकुलता है निराकुलता कहाँ है, दोनों पुद्गल हैं उसमें जीव कहाँ है, चेतन तो कहाँ है, हेतु स्वभाव अनुभव और फल, नहीं 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 नहीं, नहीं। आश्रय बंध के आश्रय उनसे बंध होता है, हेतु अज्ञान दोनों में हेतु है, दोनों पुद्गलमय है, दोनों आकुलता रूप है, और दोनों में बंध का आश्रय है, एक भी मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग अगर कहा जाए तो उसे उपचार समझना, उपचार समझना, मामा के संग आएगा उस बाबू मामा कह दी, ये है और कछु नहीं है, बाद की तुम्हारी जाति बिरादरी अलग है, इनकी जाति बिरादरी अलग है, लेकिन मामा के संग आओ, मामा का दोस्त है सो, और मामा वो भी मामा हो गया। विचारना भाई, क्या विचारोगे हैं? अरे बैरात्मा कहा जा रहा है, वह भी है तो आत्मा, अरे है तो की जगह अब क्या लगाओगे,
हमने अपने को अनादिकाल से क्या मान लिया, बहिरात्मा नाना रूपों में माना, लेकिन हूं तो मैं आत्मा, और जहां हूं की आकार आई, समझ लो खत्म हो गया, बहिरात्मा दसी खत्म हो गई, मर गई वो बहिरात्मा। दीवान जी के पास आ गया वो गरीब आदमी, गरीब आदमी मांगने कुछ लेने की आशा से आया, आया तो फटे हाल देख करके लोग हंसने लगे, बोले हंसते क्यों भाई, कोई बात नहीं, सगा साड़ू है या फलाना है। तो उसने एक बात पूछी, मौसी कैसी है, समझ गए मौसीरा भाई है, मौसी कैसी है, तो उन्हें शीशा कर रही है, सांसें भर रही हैं, अब जब सांस छूट गया, समझ गए, अब ये दरिद्रता जब यहां आ गए तो मिटेगी, जब ये हम आपके पास आ गए तो वो आप असाधा कब तक रहेगी, बोला सांसें भर रही, शीशा कर रही है, अब जो लो है तो लो है। अब दीवान जी भी समझ गए, भैया इनको जाओ स्नान करा, भोजन करा और इनको दे करके विदा करो। घर जाते जाते देखो साहब टूट गया है सांस, अब का कहें, माने छुट पीड़ा कैसे रह लेगी, या पाए नाथ निरंजन, जब हे भगवान आपके पास आए तो ये मिथ्यास कैसे रहेगा। जब जिन भजन हमने पढ़े हैं, जिन दर्शन हमको मिले हैं, तो अब ये मिथ्यास कैसे रह जाएगा। ध्रुव होता तो बात अलग थी, लेकिन ध्रुव तो नहीं है ना, हमने महाभाग्य से आत्मा शब्द हमारे कान में पड़ गया और हमने प्रमाण कर लिया भीतर, अब बहिरात्मा कहां से रहेगा, हो गया अंतरात्मा। अद्भुत जैन दर्शन है विचारना। ओम नमः। हे जिनमानी भारती तोय जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान ते सूदे रो कालो, सोवाणी मस्तक सदा प्रीतम हो।